पकड़ ली दोबारा। अब अगर इसने बोला ना गाइस के नहीं खाती, तो ये ब्रेड पिज्जा डोरमा गेट पे टक टक कर रहा है, इसकी मूंछ बना दूंगा से। शकल दिखा जल्दी जल्दी शकल दिखा। अगर इसने बोला है भाई अभी भी, अब बोला ना सुबह से कुछ नहीं खाया, बस यही खाया, एक बार बोल दो, बस एक बार बोल दो, ये रहा पिज्जा ये रहा दूसरा वाला, घूसा आएगा मुंह पे, जल्दी बता रहा। चुप चुप चाट रही है, टिश्यू पेपर लगा लगा के खा रही है। क्या हाल है गाइस, कैसे हो सारे। तो अभी एक काम करते हैं, ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि अभी हम सीआईडी बनने वाले हैं। एक वो लेके चलते हैं अपना, और ऐसे ऐसे सर्च करेंगे चीटियों को, घर में नहीं गाड़ी में। दो बार आप जान चुके हो, मतलब दो बार मैंने व्लॉग डाला है गाड़ी मैंने इस महीने में नहीं, 2 हफ्तों में 2 बार धुला दी है, वॉश करवा दी, ड्राई क्लीन करा दी, लेकिन चीटी जो है ना निकलने का नाम नहीं ले रही भाई। अब एक काम करते हैं, 3-4 दिन से धुला के मैंने खड़ी करी थी एक जगह, मैं ये देखना चाह रहा था कि जब हम वॉश करके लेके आते हैं तब तो दिखती नहीं है, लेकिन 2-3 दिन बाद आ जाती है। हो सकता है पार्किंग में चीटी हो, ये भी हो सकता है, लेकिन मैंने आज दूसरी जगह खड़ी करी है पार्किंग में। तो अगर वहाँ पर गाड़ी में चल के देखते हैं कि चीटी है या नहीं, अगर वहाँ पार्किंग में होगी मतलब तो भाई तो पूरी पूरी पार्किंग में होगी, क्योंकि मैंने गाड़ी पहले जहाँ खड़ी करी थी जब चिट्ठी आई थी, अब उसे डिफरेंट जगह खड़ी करी है। तो भी वहाँ चलते हैं गाड़ी में और चेक करते हैं। चलो सारे भाई सी आई डी बनेंगे, चिट्ठी पकड़ेंगे, और एक चिट्ठी पकड़ क्यों रहे वो मैं आपको गाड़ी में जाके बताऊंगा। सो गाइज, अन्नू गया है गाड़ी में चींटियां चेक करने। हमारी गाड़ियों में चींटियों ने हमला बोल दिया है, और इतना ज्यादा, मतलब जितनी बार बैठ रहे हैं ना ऐसे इतना काटे जा रही है, काटे जा रही है। 2 बार हम गाड़ी वॉश करवा चुके हैं ऑलमोस्ट, जो कि उन्होंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सो मैं ज्यादा आप लोगों को बोर नहीं करूंगी सब बताते हुए। हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, क्या सरप्राइज है, वो आप लोगों को पता चल जाएगा बहुत जल्दी। इस बार हम चाहते हैं कि हम आपको सरप्राइज दें, पहले से ना बताइए हम क्या करने वाले हैं, बट जो भी कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट आने वाला है आगे आगे, फॉलो करते रहो हमें। और मैं दिखाती हूँ, मम्मी कहीं गई हुई थी बहुत दिनों से, जैसे कि मैं बता रही थी आप लोगों को बार बार ब्लॉग्स में। अब मैं ये दिखाती हूँ कि मम्मी मेरे लिए क्या लेके आई है वहां से। सो लेट मी शो यू। मम्मी मेरे लिए लेकर आई हैं, जहां मम्मी गई थी वहां से ये लोअर लेके आई हैं, और ये जो सॉक्स मैंने पहने हुए हैं, मम्मी को, मतलब मैंने मम्मी से बोला था कि मेरे पास लोअर नहीं है विंटर्स के लिए ना, मुझे कोई थोड़ा मतलब वूलन टाइप पर थोड़ा मोटा लोअर चाहिए जिसमें ठंड ना लगे। तो इसका काफी स्टफ मोटा है, मतलब अच्छा खासा है ये, इसमें ठंड नहीं लगेगी, देखो कुछ इस टाइप का है ये, और मतलब बहुत सॉफ्ट भी है। और ये सॉक्स इतनी प्यारी है, इतनी सॉफ्ट है, मतलब इतनी कंफर्टेबल भी है, एकदम ना बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इन्हें पहन के ना। गाइस कमेंट करके बताना मम्मी की चॉइस कैसी है। वैसे मम्मी बोल रही थी कि मैं तेरे लिए लेके आई हूँ, अब तू देख ले तुझे पसंद आएगा या नहीं आएगा। एक ये वाली सॉक्स लेके आई है, और ये वाली सॉक्स बहुत अच्छी हैं, बहुत ही गर्म है, मतलब इन्हें मुझे ठंडी लग रही है, सॉफ्ट भी है काफी। और एक है ये वाली सॉक्स, ये भी काफी गर्म है, ऐसी मेरे पास है एक, वो मतलब मेरी पूरी ब्लैक है जो मैं हमेशा ज्यादातर पहनती हूँ, वो मेरी इस साइड से है, मतलब ये रिवर्सेबल है, शायद दोनों साइड से पहन सकते हैं, आई थिंक सो, आई डोंट नो, पता नहीं, बट मेरे पास ब्लैक तो है। तो मम्मी ऐसी लेके आई लाइन्स में। सो ये सारी चीजें मम्मी मेरे लिए लेके आई है, और अन्नू के लिए मम्मी कुछ नहीं लाई है। सो अन्नू को जेलस फील हो रही है कि मम्मी अन्नू के लिए कुछ नहीं लाई है, सबको जो भी सामान लाई है ये सब मेरे लिए लाई है। लूट लो लूट लो लूट लो। दो गाइस कमेंट करके बताना कैसे हैं कलर्स, मतलब मुझे बहुत डिसेंट लगे, बहुत अच्छे लगे, जैसे कि बिना मेरी हेल्प के, बिना मुझसे कुछ पूछे, कोई पिक्चर वगैरह कुछ भी नहीं भेजी थी मम्मी ने कि ये कलर ले लू ये कलर ले लू, नथिंग लाइक दैट। बट दोनों कलर बहुत प्यारे हैं, बहुत डिसेंट है। तो मैं आया हूँ पार्किंग में जुपिटर से, जुपिटर रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं, ये खड़ी मेरी गाड़ी हैरियर, और ये पूरी भीगी रखी है क्योंकि मौसम आप देख सकते हो बहुत सुहाना हो रहा है, मतलब बारिश वाला हो रहा है, अभी साफ नहीं हो रही है, साफ करेंगे, अंदर से साफ है, अब देखते हैं इसमें चीटी है या नहीं। तो उसको खोलते हैं, चलो इसने वेलकम कर दिया अपना, देखो चीटी इसमें है नहीं। ये भगवान प्लीज ना हो, प्लीज ना हो, देखो अभी तक मैट पड़ा है धूल, ओफा की इसमें तो घूम रही है यार, भैंस की यहाँ की आ कहाँ से रही है यार, ये चीटी नहीं है, अरे चीटी ही है यार, ये क्या बदतमीजी हो रही है मेरी गाड़ी में यार। से एक ही दिखी है अभी तक तो, लेकिन ऐसा ना हो के यार बार बार बहुत सारी दिखे, मार दिया मैंने एक यार, ये लेकिन आ कहाँ से रही है यार, एक क्या बकलो लिया यार, एक गाड़ी में चीटी आ कहाँ से रही है, समझ नहीं आ रहा मेरे को। इसमें भी नहीं दिख रही है वैसे मेरे को, मेरी गाइस 1 सेकंड रुको, मेरे को ना सर्च करने दो, कहीं और मिलते मैं कैप्चर करता हूँ। सो मैं आ गया हूँ अपनी गाड़ी की पीछे वाली सीट पे, जहाँ की मेरे को मुझे मिली है 3 चीटी, एक आगे 2 पीछे, उस दिन तो बहुत सारी थी, आज 3 ही मिली है, लेकिन मिली तो है, तो भाई इनको धीरे धीरे करके मार रहा हूँ, वैसे और ज्यादा दिख नहीं रही मेरे को, 3 ही दिखी थी, 3 मैंने मार दी और कहीं दिखी नहीं रही है। बाकी फिर भी एक काम करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं यार, कुछ ऐसा परफ्यूम टाइप या स्प्रे जिसे आए ना, कुछ करके तो जाऊंगा यहाँ पे। सो गाइज यहाँ पे देखो मैंने पूरा वैक्यूम लगवाया था, लेकिन यहाँ पे ये जगह रह गई है, इसमें मैं भूल जाऊंगा शायद, लेकिन इसमें कुछ पड़ा तो है, लेकिन इसमें चीटी नहीं है। और बाकी ये वाला पूरा एरिया इधर वाला मैंने पूरे सीट पीछे करके कवर देख लिया, कुछ भी नहीं है, और इधर भी कोई चीटी अभी मेरे को दिखी नहीं है, हालांकि मैं पीछे आ गया था मेरे को 2 दिखी थी, मतलब पूरी गाड़ी में भी 3 दिखी थी, एक वहां पे जो मैंने मार दी, एक यहाँ पे अब है ही नहीं। तो अभी मैं ये वाली सीट मैंने पूरी पीछे कर रखी है ऐसे, ये भी। और एक काम करते हैं, चाबी को रखते हैं इसके यहाँ पे,
और अभी ना यहाँ पे सर्च करते हैं। वैसे मेरे को दिख तो रही नहीं है कहीं भी, ये देखो अब कहीं भी दूर दूर तक नहीं दिखी, कि पूरी मैंने वैक्यूम क्लीनर से अच्छे से उस दिन साफ तो कराई थी। और बाकी भाई एक काम कर, इसमें भी देख लेते हैं, इसमें भी कहीं कोई चीटी नजर तो नहीं आ रही है, मुझे नहीं आ रही, इसमें भी कोई नहीं आ रही। साला आ कहाँ से रही थी नहीं बता। एक काम करते हैं यहाँ सबसे ज्यादा, यहाँ भाई डिक्के के पीछे लोग सामान रख देते हैं कुछ ना कुछ, यहाँ भी नहीं है। इस बटन को दबाओ और दबा के इसको नीचे कर देते हैं। ये आ गई इसकी डिग्गी, यहाँ भी कोई चीटी मुझे, इसको हल्के से पीछे करते हैं। यार दिख तो नहीं रही, लेकिन इसकी डिग्गी ना खोल के देखनी पड़ेगी, डिग्गी और चेक कर लेते हैं। बाकी मुझे कहीं दिख नहीं रही है, हो गया मतलब काम, ठीक है अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई कोई भी दिक्कत नहीं, अभी एक काम करते हैं इसका है ना बूट जो है उसको खोल के देख लेते हैं क्या सीन है, इसके पिछवाड़े में चीटी तो नहीं पड़ गई है, देख लेते हैं एक बार ही। तो चलो पीछे चलते हैं। तो ये रहा मैंने खोल दिया, लेकिन यहाँ पे कोई भी चीटी वीटी दिख तो नहीं रही यार। ओके यहाँ भी मैंने पूरा साफ करवाया था, पता नहीं क्या मीठा गिरा हुआ था, सब कुछ साफ करवाता है यार। तो नहीं है भाई, नहीं है चीटी, मतलब ठीक हो गया। मैंने पूरी गाड़ी सर्च कर लिया, कोई भी चीटी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। मैं भी जाके नहा लेता हूँ, मैं भी चीटा सा लग रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, पहले मैं तुम लोगों को ये बताता हूँ कि ये सब मैं सर्च कर क्यों रहा था। तो हम लोग तुम्हें एक सरप्राइज देने, हम लोगों को तुम्हें एक सरप्राइज देना था, ठीक है। और वो सरप्राइज ये था कि यार चलो वो तो मैं आपको बाद में बताई दूंगा सरप्राइज, मैं ऐसे नहीं बताऊंगा क्या था, लेकिन एक हिंट दे देते हैं कि कुछ स्पेशल आप लोगों के लिए हम करने जा रहे थे। और जाएंगे गाड़ी से, तो भाई गाड़ी पूरी साफ कराइए तो उसका मतलब गाजियाबाद से तो बाहर निकलेंगे पक्का। गाजियाबाद से क्या हो सकता है, स्टेट से भी बाहर निकल जाए, लेकिन देखते हैं बाकी। और सरप्राइज आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करेंगे, आप लोगों को दिख ही जाएगा खैर वो। लेकिन उससे पहले यार जाने का बंदोबस्त देख रहे थे कि गाड़ी में चीटी भर रही थी, तो चीटी निकली है नहीं फिलहाल, तो चीटी निकल गई है। और एक काम करते हैं, अभी जो डायना की पॉलिश है, जो मेरी मतलब बाइक है उसकी जो पॉलिश है, वो जो मैं यूज करता हूँ बेसिकली मेरी गाड़ी की पॉलिश है यहाँ की, लेकिन वो डायना को चमका देती है। तो अभी ये क्या है थोड़ा सा ना यहाँ से देखो, ये चीज ना हल्की सी गंदी टाइप सी हो रही है, मतलब गंदी नहीं हो रही लेकिन हल्का सा शाइन जैसे चला जाता है, ऐसा लग रहा है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। कोई नया बंदा आएगा उसको तो अच्छे लगेगा, लेकिन मेरे को तो काफी मतलब इतना साल हो गया, 2019 के लास्ट से चलाता हुआ रहा हूँ उसको, तो अजीब लग रहा है। तो एक काम करते हैं इसको भी क्लीन कर देते हैं, अभी बाइक साफ करेंगे उसके बाद गाड़ी साफ करेंगे। और मौसम भी आज बढ़िया हो रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, हालांकि यार थोड़ा डर लगता है चींटियों से। अगर तुम लोगों को पता है, मतलब होता है ना कि जैसे गाड़ी में मान लो चींटी हो भी ना, लेकिन तुम लोगों को पता है कि भाई यहाँ गाड़ी में चींटी दिख गई तुम्हें एक दो, तो तुम्हें ऐसा लगेगा काट भी रही है तुम्हें, बेशक काट नहीं हो तुम्हारे ऊपर होना, लेकिन सिर्फ तुम्हें फील होगा क्या चींटी काट रही है, तो ऐसे कुछ होता है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले भी चलते हैं घर, स्कूटी खड़ी है मेरी वहां पे, और पॉलिश करते हैं इसको भी और बाइक को भी। मौसम तो अभी भी खराब है यार, अभी भी यहाँ पे बारिश ही हो रही है और पता नहीं कब तक ऐसे होने वाला है। फिलहाल वैसे चीटी वीटी तो गाड़ी में नहीं है, और मैंने बाइक जो है मेरी उसको भी पूरा साफ करा दिया है, पूरी पॉलिश वॉलिश कर दिया, बढ़िया तरीके से रख दिया अपनी डायना। और मैं सोच रहा था कि मैं पार्किंग में रखी गाड़ी पे भी थोड़ी सी पॉलिश मारूंगा, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि भाई एकदम से बारिश और आ गई तो मैं पार्किंग से जा नहीं सकता, तो वो चीज़ कल करेंगे। तो अभी एक काम करते हैं, अभी मैं नीचे से आया हूँ जस्ट, तो चलते हैं। मैं डोलर से भी मिला था लेकिन मैं व्लॉग नहीं बना पाया, क्योंकि वो पता नहीं अजीब जगह दिखा रहा था, खेल रहा था, कहीं मेरे को धक्का दे रहा था, मतलब मजे ले रहा था, तो मेरे पास ट्राईपॉड नहीं था हाथ में मेरे, वरना मैं मिला लेता, फ़ोन वो गिर देता। तो अभी अंदर चलते हैं। चल यहाँ पे क्या कर रही है, मैं तो ओए अरे क्या क्या हाँ क्या मैडम, गाइस एक सेकंड रुकना, इसे इसका आज मोर बनाऊंगा मैं, एक सेकंड रुको, इसे कमरे को बंद कर लेता हूँ। क्या क्या बदतमीज चल रही है, ये कान की ओए हेडफोन है, पीले हेडफोन से इन्हें हटा लो, बत्तख से क्या है, क्या है, हाँ सुनाई ना रही होगी ने, ये फर्जी एंग्री बर्ड लगा के क्या है, कहाँ से लाइए इनको, जहाँ से भी लाइए फर्जी एंग्री बर्ड से, ठीक है ना, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुनो, किससे पूछ के लिया है तुमने, अच्छा मैं देखो मजाक से, अरे क्या करे निकालो उसको यहाँ से, गाइस मैं मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं बता रहा हूँ ये मेरा बैग था, और ये मैं किस लिए लाया था वो भी मैं आपको बताता हूँ, इसलिए अपने कपड़े रख लिए हैं, घर जा रही हूँ इसको लेके बैग को, तुम कहीं भी जाओ बैग छोड़ो, ये बैग मेरा है, बदतमीजी मत करो, आ चलिए बैग, ये ट्रैवलर बैग मेरा है, आचल दिमाग खराब मत करो प्लीज यार, ये मेरा बैग है, मैं तुम्हें पैक कर, सुनो मेरी बात, देखो इतना वीडियो अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें आखिरी बार ये वार्न कर रहा हूँ, ये मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि मेरा बैग है, बदतमीजी मत करो, अपना वही अटैची सूटकेस वो टायरों वाला वो खींच के चले जाते हैं उसको, वो लेके जा करो, मत करो प्लीज यार, ये मेरा नया बैग है यार, ये रख चुकी हूँ उसमें सारा सामान, निकालो उसको,
निकालो सारा सामान, साला बैग में अपने लिए लेके आता हूँ, ये देखना क्या कर दिया यार इसका। ये मेरा बैग है, मेरा बैग है, मेरा बैग, हटाओ उसको, अपने सामान को उसमें से अभी के अभी हटाओ। ये कोई मजाक चल रहा है यहाँ पे? ये मेरा सामान पैक हो चुका है, मैं लेके बैग इसका हटा नहीं है, ये बैग इनका, ये मेरा बैग है। बदतमीजी मत करो, इसमें से अपना सामान निकालो, फालतू की लड़ाई हो जाएगी, मत करो, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ। बदतमीजी मत करो, मैं लेके आया हूँ, फोन पकड़ के भी पूछवाया था मैंने, मत करो, ये मेरा ट्रेवलर बैग है, मैं अपने रखूंगा। गाइस देखो, अब तुम्हें मैं सिंपल सी बता रहा हूँ, तुम लोगों के लिए सरप्राइज आ रहा है, ठीक है, इसमें लेकिन ये बैग में अपने लिए लेके आया था, लेकिन ये ड्रामा कर जा रही है, मेरा बैग ले लिया, मत करो प्लीज, मत करो, मैं तुम्हारे वो ट्रॉली बैग सारे तोड़ दूंगा, तुम्हारा चखा चखा फिर मैं कर दूंगा खराब, मैं बता रहा हूँ, मैं मेरी नहीं बैठ चीज को मैं थूक ही दूंगा मैं इस पे, पत्ता मेरी चलेगी, बहुत महंगी चादर है मेरी, मम्मी को बुला लूंगी, हमने दहेज की चादर है। अच्छा तुम मेरे बैग रख रही हो, नीचे नहीं रख रही? मैं रखूंगी, मैंने तो सामान पैक कर लिया था। अरे निकाल के फेंको यार इसको, मेरा बैग है यार, बहुत ही मतलब वजन का पता नहीं चल रहा है, इतना सामान है, इतना सामान है, और मैं इतनी मतलब कूल टाइप लग रही हूं। मेरी बात सुनो ठीक है ना, तुम्हारा नेता बना दूंगा, उसको निकालो, उतारो उतारो, आजल दिमाग खराब मत करो प्लीज, ये फट जाएगा यार, मत करो ऐसे यार, मत करो प्लीज यार, मेरा सामान है इसमें, आ जाऊंगी ना दो दिन में। गाइस ऐसा है, पहली बात है ट्रेवलर बैग होते हैं, तुम्हारा जो सामान है ना, जो अपने घर से दहेज में लाई थी ना, तीन अटैची स्काई हाइट, क्या था वो, कौन सी कंपनी का है वो, टाटा स्काई, किस चीज के बैग थे वो, कौन सी कंपनी के थे, जोन सी भी कंपनी के, स्काई बैग जो भी हो, टाटा स्काई स्काई बैग, वो गाइस वो अटैची वाले होते हैं ना, वो एयरपोर्ट पे जो लेके जाते हैं, उन लोग वो सारे बैग यूज करती है, ये ट्रेवलर बैग यूज करते हैं, कोई बात नहीं, ये मैं लेके आया था, इसमें कपड़े निकालो, ये तुम्हारे ससुराल जाने के लिए नहीं है, ये मेरा है, लेकिन पीहर विहर जो भी होता है हटाओ उसको, पीहर क्या होता है, जो भी होता है तुम्हारे घर को प्यारी तो बोलते हैं, हाँ तो माइका भी बोलते हैं, माइका और नाइका है ना, मेरे घर को सिर्फ मेरा घर ही बोलते हैं, ये नाइका बनाऊंगा, छूट चल रही है, सामान तो मेरा लेकिन इसमें फट जाएगा, फट जाएगा, जीजू भी देखेंगे, तो कह रहा हूँ हट जाओ, वीडियो मत बनाओ, जीजू भी मैं बैग फाड़, कोई बात नहीं, हटा रहा हूँ, हट जाओ, इसको मैं लेके आया था, मैं अपने लिए लेके आया हूँ, बोला था ये नया का नया बैग मेरे लिए था, उन्होंने मुझे बोला था, मैं बता रहा हूँ, पूछो फोन करके, अभी मेरा फोन लाओ, मैंने मेरे फोन से पूछो, छोड़ो 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 यार छोड़ो, गाइस एक बैग के लिए मारा मारी कर रहे हो, फट जाएगा यार, माना करो प्लीज यार, ये मत क्या करो, ये बदतमीजी, बैग के लिए मुझे मार रहे हो, मैं मार नहीं रहा हूँ, ये और एक ना किसी और के सामने करना ठीक है ना, चुपचाप मेरा बैग, आज मैं बता रहा हूँ, मैं लास्ट वार्न कर रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, अब इसे रख दो, मैं फेंक दूँ तुम्हारा सारा सामान, बहुत देर हो गई, निकालो उसमें से सारा सामान, अभी सामान निकालो, मैं खुद निकालूंगी, निकालो उसमें से सारा सामान, निकलना चाहिए इसमें से, कैमरा बंद करो भैया, तुम पिटने वाले हो, इसे सामान निकालो, उसको बदतमीजी मत करो, सामान निकालो इसमें से, पर अटैची लेके जाने वाली, ये बैग लेके जाएंगे ट्रैवलर, उस पर्स का वेट इनसे उठता नहीं है, इसे उठाएंगे, ये हल्का लग रहा है इन्हें, गाइस ये ना ये पता है, मतलब दोस्तों दो दिन के लिए ट्रॉली वाले बैग लेके जाते हैं घूमने, ये तुम्हें तमीज नहीं है ऐसे बोलते, सब लोग ही ले जाते हैं ट्रॉली वाले, कोई नहीं ले जाता, सब अपने माई के घर से इतना करते हैं, एयरपोर्ट पे छोटा वाला लेके चले जाएंगे, भाई साहब अगर कहीं ट्रॉली बैग लेके जाते, ट्रॉली बैग कमेंट करके बताना, नहीं लेके जाता, तुम लोग कहीं घूमने जाते हो इंडिया से बाहर, इंडिया के अंदर की बात कर रहा हूं, अगर हम ट्रैवल करते हैं ना लाइक माउंटेन्स वगैरह में, तो ये वाले बैग होते हैं, गाइस आप लोग कौन से बैग लेके जाते हो, और अगर आप लोग अन्नू को तो अनफॉलो कर देना इंस्टाग्राम पे से सब लोग, अगर इसने ऐसा बोला ना कि ट्रॉली बैग कौन लेके जाता है, तो सब इसको अनफॉलो कर देना, मुझे फॉलो करोगे तो अच्छे अच्छे ऐसी चीजें दिखाऊंगा, इसको फॉलो करोगे ना तो वही हर जगह एक ही बैग ऐसे पहिए से चलेंगे ऐसे ऐसे, अब देख लो किसको करना है, मुझे करना है, मैं बताऊंगा तुम्हें नई चीजें, जब मैं शादी में हमारे, मैं तुम्हें हार्ले की चीजें बताऊंगा ठीक है, और ये तुम्हें स्प्लेंडर की बताएगी, अब तुम्हारी मर्जी, तुम्हें किसे फॉलो करना है, तुम्हें बात बताऊं, एक चीज बताऊं, स्प्लेंडर ज्यादा बिकती है, जेन्युइन सी बताऊं, जो सेलिंग वैल्यू है ना वो स्प्लेंडर की हार्ले से कहीं ज्यादा है, समझ में आया, और आज भी अगर दुनिया में 500 लोग होंगे ना, एग्जांपल दे रही हूँ, 500 में से 495 लोग चला रहे होंगे स्प्लेंडर, और 5 लोग बचे हुए चला रहे होंगे, चलो इसका जवाब देते हैं, लेकिन गाइस ये लोग ये बात तुम भी जानते हो, जब रोड पे निकलती है ना, तो वो 595 जो लोग इसने बताया ना, उनकी मुंडी ऐसे होती है कि हाँ कोई बाइक आ रही है, चीज हमेशा वो होनी चाहिए जो हर कोई अफोर्ड कर सके, अच्छा तुम कमेंट करके बताओ, अगर तुम्हें गाइस गाइस ये तो हो गई फालतू बातें बताने वाली बात, अब तुम बताओ कमेंट करके, अगर तुम्हें कहीं ऑफर मिल रहा हो, एक साइड हार्ले डेविडसन 48 जो मेरी बाइक है, एक साइड स्प्लेंडर, तो तुम कौन सी चूज करोगे, सच्ची सच्ची बताना, फालतू चीजें छोड़ के, गाइस ऑफर तो ठीक है आप लोग चूज कर लोगे, लेकिन उसके बाद उस बाइक को रखना, अन्नू से खुद पूछ सकते हो, ही इज मैनेजिंग ऑल द थिंग्स, उसका पेट्रोल डलवाना, उसका एक्सपेंस इतना ज्यादा होता है, आप दो दिन बेवकूफ, अगर तुम्हें मुझे अनफॉलो करना तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें अच्छी चीजें बताऊंगा, ये बेवकूफ बनाएगी,
अभी मेरा चेहरा अच्छा होने वाला है, एक दो दिन बाद मैंने बुला लिया है सैलून। हर बार मैं महीने में एक बार अच्छा होकर आता हूँ, मतलब ना तो गाइस इस बदतमीज ने मेरे से बैग छीन लिया है। अभी तक हालांकि सामान इसमें मेरे ही रखा हुआ है। तो गाइस जोक से पास इसको एडजस्ट कर रहा हूं चारों तरफ से, यहां से यहां से, इतना कूल लगता है। अपन यहां अटैच किया है टाइम से, मैं सोच रही थी सिर्फ हैरी और मुझे अगेनास के टैची के लिए। सो गाइस इसे मैं हार्ले पे लेके जा सकता हूं, स्प्लेंडर पे भी लेके जा सकता हूं, लेकिन इससे पूछो अपनी अटैची कहां लेके जाएगी। सो गाइस मैं ये बोल रही थी अभी बीच में ना आएगा बकवास करने। सो मैं ये कह रही थी मैं दो दिन के लिए जा रही थी, वैसे मुझे जाने नहीं दिया, बहुत बदतमीज है। सो आप लोग कमेंट करके बताना आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा और कौन आपको बदतमीज लगा, कौन आपको अच्छा लगा, ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है। कौन अच्छा है कौन बुरा है, और जो बुरा उसको अनफॉलो कर देना, अन्नू को तो कर देना। सो गाइस अभी के लिए कर देते हैं इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड, और जो भी हम लोग फाइट करते हैं कुछ भी करते हैं उस चीज को दिल पे मत लेना, आपस में मत झगड़ना, ऐसा नहीं, हम दोनों के बीच बहुत प्यार है, ऐसे कह सकते हैं। हम दोनों के बीच में बहुत प्यार है, ऐसा नहीं है, नहीं बहुत लड़ाई अभी ऐसी बात नहीं है, दोनों चीजें सच है कहीं ना कहीं, लेकिन आप लोग लड़ना मत एक बैग के लिए आपस में ना, हम तो ऐसे लड़ते रहते हैं। सो अभी एंड कर देते हैं ब्लॉग, कमेंट करके बताना कैसा लगा, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, जरूर शेयर करना। इसके कैमरे की क्वालिटी देखो अपने से बना रही है जी, कितनी बुरी आ रही है। कोई बात नहीं गाइस, सो अभी के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, टाटा, बाय गाइस, टेक केयर, सब्सक्राइब जरूर करना, बाय गाइस। सॉरी कैमरा रखने से पहले एक और चीज, एक बहुत ही अच्छी चीज आप लोगों के लिए आने वाली है, तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, बहुत जल्दी ट्रेवल डायरीज आने वाली है, मजा आने वाला आप लोगों को देख के, जल्दी से कर दो सब्सक्राइब, और इस मिक्की माउस को देखो कैसा लग रहा है, सब्सक्राइब, इतना काले में पीला कलर अच्छा भी नहीं लग रहा। तो गाइस मैं काला नहीं हूं, उसका कैमरा भी बेवकूफ है, कल परसों जब मेरा आ जाएगा ना सलून वाला उसके बाद देखिएगा मेरे साइड में कौवे। चलो गाइस बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।